साथी जब आएंगे तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा लवर्स पॉइंट, और ये जो है एक कैडबरी डेयरी मिल्क, और कैडबरी का जो पूरा जो ये जोन है यहाँ पे, ये बिल्कुल कैडबरी के चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स है। और आई थिंक वैलेंटाइन का वक्त आ रहा है, तो ये बॉक्स लवर्स के लिए हमारे काम का नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू नितीश राठौर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं लेकर आया हूँ आपको एक बेहतरीन रेस्टोरेंट पे, और ये काफ़ी मतलब कि बेहतरीन स्वीट्स का एरिया है और काफ़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट जोन है। और अगर आपको चाहिए केक्स वगैरह तो इन सब का भी ये काफ़ी बेहतरीन जोन है। तो इस जगह का नाम है ओम स्वीट्स रेस्टोरेंट एंड बेकरी। तो ये जो जगह है ये ब्रह्मपुरा से ठीक लक्ष्मी चौक की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये मोस्टली ब्रह्मपुरा चौक से जो ये दूरी है लगभग आई थिंक 100 मीटर के आसपास, जब आप लक्ष्मी चौक की तरफ बढ़ेंगे तब ये है ओम स्वीट्स। तो ये आइए लेके चलते हैं आपको ओम स्वीट्स में और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है मौजूद। काफ़ी बेहतरीन एक जोन हो सकता है आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट नितीश राठौर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ओम स्वीट्स के अंदर, और सबसे बेहतरीन बात अभी हो इस रेस्टोरेंट में एंट्री लेने से पहले मैं आपको दिखाऊं पीछे, तो आप देख रहे हैं कि सबसे एंट्री के पास ही आपको दिखेंगे गणेश भगवान, और ये काफ़ी बेहतरीन नज़ारा मुझे देखने को मिला यहाँ पे। ये इनकी जो स्पेशलिटी है ये मुझे सबसे बेहतरीन लगी, एंट्री लेते ही सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ था कि गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे सामने लगी है। और आइए लेके चलते हैं आपको रेस्टोरेंट की तरफ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है और आप क्या क्या ले सकते हैं। तो आप ठीक इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप जैसे देखेंगे कि जो भी मिठाई वगैरह का जो रेंज है आप देख सकते हैं कि इस पर कुछ कुछ जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है पतीसा 440 का केजी, खोया राजकमल, और भी इधर है आपको मैं दिखाऊं शाही गुंद मूंग दाल बर्फ़ी, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी इधर आप देखें तो कुछ जो आपको मैं खास दिखाऊँ। तो ये जो है आपको इधर रसमलाई मिलेगा, और इधर देखिए तो बड़ा रसगुल्ला, छोटा रसगुल्ला, फिर बड़ा रसगुल्ला। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ हैं यहाँ पे देखने को मुझे मिली। और ये सिर्फ ये नहीं कि आप यहाँ से मिठाई वगैरह ले सकते हैं, और भी कुछ आप यहाँ पे बैठ के मोस्टली खाना खा सकते हैं और ये चीज़ें हैं। तो आपको मैं दिखाऊँ मोस्ट पोर्सन जो कि आप अगर बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपको चाहिए केक्स की रिक्वायरमेंट, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और आइए एक कवर में दिखाता हूँ आपको केक्स का जो यहाँ पर है मौजूद। तो ऑरेंज केक है जो 350 के आसपास है, चॉकलेट चिप केक्स आई थिंक 400 के आसपास। तो आई थिंक बेसिकली मुझे जो भी दिख रहा है तो केक्स वगैरह का जो रेंज है मैं आपको बताऊं कि ये 450 के आसपास लेके 400 का ये हाफ केजी का केक है। तो आप केजी पे मतलब 700 से 800 के आसपास का केजी जो इनका बेसिक केक का रेट मिलेगा। तो आगे जैसे ही आप आएंगे तो बर्थडे से लेके वगैरह इधर जो इनका रेस्टोरेंट में जो है पेटिस वगैरह का एरिया है, और जो इनका ये जो है क्या मोस्टली एंट्री का है, और इनका जो रेस्टोरेंट एरिया है उधर उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और लेके चलेंगे। तो उससे पहले हम आपकी बात कराते हैं यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं और जो भी इसके मैनेजर हैं उनसे कि क्या खासियत है यहाँ पे, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको बेहतरीन भीड़ देखने को मिलती है। तो ये एक ओम स्वीट्स के साथ काफ़ी बेहतरीन एक कोलैब है कि आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको भीड़ देखने को मिलेगी, और कुछ ना कुछ टेस्ट से इनका बेहतरीन वास्ता है। तो लेके चलते हैं आपको किसी यहाँ पे मैनेजर से, आपकी बात कराते हैं यहाँ ओम स्वीट्स के जो मैनेजर हैं उनसे, और देखते हैं इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मतलब स्पेशलिटी है इनके यहाँ। तो मोस्टली यहाँ पे क्या क्या स्पेशलिटी है आपके यहाँ, मतलब कि क्या चीज़ है जिसके लिए मतलब खास तौर पर, मिठाई वगैरह है या फिर केक्स है, क्या ऐसा है जो सबसे स्पेशल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ चाट में सारा स्पेशल है, राज कचौड़ी हो गया, स्पेशल दही वाला हो गया, माखन बाटी जो है यहाँ का सबसे पॉपुलर है। और एक नज़र आपको मैं लेके चलता हूँ माखन बाटी किसको बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये है जो स्पेशल डिश है इसको बोलते हैं माखन बाटी, और आई थिंक ये 45 रुपीज़ का है। तो ये यहाँ का सबसे स्पेशल चीज़ है, और आप देख सकते हैं कि माखन बाटी जो है यहाँ पर तो ये काफ़ी बेहतरीन है। ड्राई फ्रूट्स का मिठाई, देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स का जो इनके पास है मिठाई, आप इस पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए लेके चलते हैं मैनेजर साहब के साथ और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है।
एक नज़र आपके मैं लेके चलता हूँ ड्राई फ्रूट्स के आइटम पे, और ये देखें यहाँ पे काजू बर्फी, काजू बाइट एंड पाइन एप्पल बाइट, रोज़ बाइट, बादाम बाइट, और ये इधर चोको बाइट। तो ये जो भी है चीज़ें, ये इनकी जो बहुत खासियत रही है यहाँ पे। तो ये थे यहाँ के मैनेजर साहब और हमने करी है उनसे बातचीत। फ्रूट्स को मैंने फुल टू पैकेज इसलिए कहा था क्योंकि मिठाई से लेकर ड्राई फ्रूट से लेकर और भी चीज़ें जितनी राज कचौड़ी वगैरह से लेकर रसमलाई से लेकर एक एक चीज़ मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाते चलूँ तो आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन यहाँ पे जो आइसक्रीम का जोन है, काफ़ी बेहतरीन सिलेक्शन देखने को मिलेगा आपको। और साथ ही जब आएंगे तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा लवर्स पॉइंट, और ये जो है एक कैडबरी डेयरी मिल्क, और कैडबरी का जो पूरा जो ये जोन है यहाँ पे, ये बिल्कुल कैडबरी के चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स है। और आई थिंक वैलेंटाइन का वक्त आ रहा है तो ये बॉक्स लवर्स के लिए हमारे काम का नहीं है। आइए और इधर अपने काम की चीज़ पे आते हैं, और ये है भाई कोल्ड ड्रिंक्स जो कि काफ़ी बेहतरीन रेंज मुझे देखने को मिला। और जैसे ही ओम स्वीट्स के बेकरी शॉप पे आप बिल्कुल सामने से जब इस तरफ आएंगे, यानी कि मैं आपको इधर से व्यू दिखाऊं, तो जैसे कि आप मेन गेट से एंट्री लेंगे इसके, और जैसे ही आप इंड पे आएंगे तो बिल्कुल आपको दिखेगा ये राज कचौड़ी का काउंटर, और यहाँ पे चाट वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये बिल्कुल यहाँ पे बनाई जाती हैं। और ठीक देखे तो यहाँ पे सिटिंग की जो अरेंजमेंट है, आई थिंक 20 to 25 पीपल यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो एक बैठने का भी काफ़ी बेहतरीन अरेंजमेंट रहा है। तो ये मुझे पर्सनल ब्लॉग करते हुए काफ़ी बेहतरीन लग रहा। अब चलते हैं ओम स्वीट्स के रेस्टोरेंट एरिया में और आपको दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन है ओम स्वीट्स का रेस्टोरेंट एरिया। तो बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल मीट से ये रास्ता है, आपने देखा मैं किस तरीके से आ रहा हूँ, और आपको मैं दिखाऊँ तो जैसे सामने से निकल कर ये ठीक पीछे है ये ओम स्वीट्स का रेस्टोरेंट एरिया। तो चलिए चलते हैं ओम स्वीट्स के रेस्टोरेंट एरिया में और आपको दिखाते हैं कितना बेहतरीन। और पीछे देख रहे हैं कि ये अनजान लोग बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये सब ये लोग मुजफ्फरपुर बिहार से लोग अनजान लोग हैं बिल्कुल। आप इन लोगों को किसी भी मेरे ब्लॉग में नहीं देखे होइएगा, और ये लोग ऐसे ही आपको हर एक ब्लॉग में दिखते रहेंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है जब तक मैं यहाँ हूँ। तो ये एक रेस्टोरेंट एरिया है, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कि बताते हैं, 2 मिनट रुकिए। और ये जो रेस्टोरेंट एरिया है तो बिल्कुल ये इसलिए है कि आप ओम स्वीट्स के बेकरी शॉप से जो भी चीज़ें खरीदते हैं या फिर राज कचौड़ी जो भी चीज़ें आप बैठ के वहाँ पे खा सकते हैं, उनको ऑर्डर देने के बाद आप यहाँ पे आके बैठिए और यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। मोस्टली जो मेन रेस्टोरेंट था वहाँ पर जो बेकरी शॉप में भी जो स्पेस थी उसमें भी आई थिंक 20 to 25 लोग बैठ सकते हैं, और जो रेस्टोरेंट का एरिया है यहाँ भी 20 to 25 लोग, आई थिंक मोर देन 40 पीपल यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन जोन है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू था ओम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स जो भी है इनके बारे में कि आप आ सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन जो चीज़ें हैं यहाँ पे खाने का जो भी प्रोडक्ट था मुझे काफ़ी ऑथेंटिक लगा इसलिए मैंने आपको बताया। चार्जेस भी नॉमिनल हैं, उतना भी ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स हैं। तो ये रेट वगैरह इन सभी को देखें तो ये काफ़ी बेहतरीन ओवरऑल व्यू है। तो चलिए ओम स्वीट्स के बारे में जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं, तो इस और ये जो ओम स्वीट्स के रेस्टोरेंट एरिया में मुझे मिला एक नन्हा कलाकार, और ये खेलता है फ्री फायर, और ये यूट्यूब पे वीडियोस डालता है और काफ़ी माहिर खिलाड़ी है फ्री फायर का। तो आइए करते हैं इससे बातचीत। इसका कहना है कि अभी तक अपना फेस जो है ये पब्लिक नहीं करेगा, और लेकिन ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। तो कौन सा चैनल का नाम है तुम्हारे यूट्यूब पे? मिस्टर ब्रूस्टर गेमर्स। ब्रूस्टर गेमर्स नहीं, ब्रूस्टर गेमर्स। ब्रूस्टर गेमर्स स्पेलिंग बताओ। BLUSTER GAMER। तो ब्लूस्टर गेमर इस भाई के चैनल का नाम है, छोटा सा नन्ना मुन्ना खिलाड़ी है। तो जो भी लोग फ्री फायर खेलते हैं और इससे इंटरेस्टेड हैं तो इस भाई के चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये छोटा सा बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था इसलिए मैंने इसका ये वीडियो डाला है, प्रमोशन नहीं है, ये इस टैलेंट को हमने बाहर निकाला है। और ये जो टीम आप देख रहे हैं पीछे, तो मैं आपको बताऊँ कि छोटा सा बच्चा है लेकिन इसकी टीम को आप देखिए ज़रा, ये ब्लस्टर गेमर्स जो ये सारी टीम है, और बिल्कुल ये पार्टी जो अरेंज किया था इस छोटे नन्हे मुन्ने ने, और ये जो है काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट लेवल का खिलाड़ी है ब्लस्टर गेमर्स, और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको भी सपोर्ट कीजिए, नन्हा बच्चा है, आप इनको जो है कि प्रमोट कीजिए, काफ़ी बेहतरीन खेलते हैं लोग। ये इनकी टीम है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन। ब्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए नितिश राठौर ब्लॉग के हमारे साथ।